खबर जांजगीर से। जांजगीर चांपा जिले में चोरी के मामले बढ़ते ही जा रहे थे, उस पर अंकुश लगाते हुए एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। 5 बाइक के साथ पुलिस ने बाइक चोर सरगना व एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। यह सरगना शातिर तरीके से शहर के अलग अलग जगहों से बाइक को आसानी से चुरा रहा था। पुलिस के अनुसार शहर में लगातार हो रही बाइक की चोरी को देखते हुए पुलिस द्वारा टीम बनाकर पतासाजी की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि नैला चौकी अंतर्गत सिवनी निवासी अंकित यादव अपने घर में चोरी का मोटरसाइकिल रखी हुई है। सूचना पर पुलिस तत्काल सिवनी अंकित यादव के घर दबिश दी गई, जहां अंकित यादव घर के उपस्थित थे, जिससे पूछताछ करने पर अंकित ने बताया कि वही एसटी पैलेस तथा शहर के अलग अलग जगह से अपने साथी नाबालिग के साथ बाइक एंड स्कूटी चोरी करना स्वीकार किया गया। आरोपी से कब्जे से रॉयल क्लासिक 350, हीरो होंडा सीडी डिलक्स, टीवीएस सुजुकी जिसकी कीमत 2,50,000 की है, पुलिस चोर का गिरफ्तार कर उसका पर्दाफाश किया। कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। महीनों से बाइक चोरी गिरोह का काफ़ी सक्रिय रहा और जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा कड़े निर्देश दिए गए थे, उसी निर्देश के परिपालन में एक बाइक चोर के सरगना को पकड़ने में पुलिस को कामयाबी मिली है। उनके कब्जे से 5 गाड़ी जिसकी कुल मशूरका 2.5 लाख के आसपास आकी जा रही है और इसमें आरोपी है अंकित यादव और एक औपचारी बालक है। ये जाकर एक व्यक्ति औपचारी बाला के यहाँ मैकेनिकल रूप से वो गाड़ियों को ब्रेक और उसको तोड़ता था और ये दूसरा व्यक्ति उसको लेके चोरी करके उसे खपाता था। इस गिरोह में दोनों को गिरफ्तारी करके न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। औपचारी को विधिवत रूप से उनको जेजे बोर्ड में भेजा जा रहा है। सर, सभी गाड़ी को कहाँ गिरफ्तार किया गया है? हमें उनको एक प्रकरण में उनके जांच की गई थी, प्रकरण में फिर उन्होंने मेमोरेंडम कथन में दिया गया मेमोरेंडम, उसके घर से ही सारे गाड़ियों को अलग अलग रूपों में अलग अलग अपराधों में उसको जो संलिप्त गाड़ियां थी तो उनके घर के कब्जे में से मेमोरेंडम कथन के आधार पर उसके